नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समय की यात्रा में। आज हम एक ऐसी ही पीढ़ी की कहानी जानने को अग्रसर हैं, ना तारों की नहीं बल्कि लोगों की। हमारी यात्रा जनरेशन एक्स के साथ शुरू होती है, जो कैसेट्स और नियॉन लाइट की दुनिया में जन्मे थे। हम में से कुछ लोग तो शायद जानते ही नहीं होंगे कि पहले गाने कैसेट्स को टेप में लगा कर सुना करते थे, और वो भी तब की बात है जब बहुत ही लिमिटेड म्यूजिक हमारे पास अवेलेबल होता था। वो भी क्या दिन थे, बर्लिन वॉल के गिरने से लेकर रॉक म्यूजिक के उदय तक। दीज रिबल्स फोर्स्ड देयर पाथ थ्रू सिग्निफिकेंट टाइम्स। चलिए अब हम चलते हैं जनरेशन वाई की तरफ, दी मिलेनियल्स। जिस इंटरनेट का प्रयोग आज हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए करते हैं, उसका उदय इन्हीं के साथ साथ हुआ है। याद कीजिए वो हाथ में पकड़कर खेलने वाले वीडियो गेम्स, छोटी सी स्क्रीन, उसमें कुछ 6-8 बटन, डायल अप की आवाज, और वो एक अनोखा एहसास ऑनलाइन दुनिया से जुड़ने का। कमेंट करके बताइए आप में से किस किस ने ऑर्कुट को यूज़ किया है और अपनी यादों को हमारे साथ साझा किया है। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू जनरेशन जी, द ट्रू डिजिटल नेटिव। ये लोग सोशल मीडिया के साथ साथ ही राइज हुए। ये ज़माना है ट्रेंड सेटर्स और वायरल वीडियोस का। स्वाइप, लाइक, शेयर, इट्स अ होल न्यू लैंग्वेज। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पीढ़ियों के इस फ़र्क ने लाई कुछ नई चुनौतियाँ और कुछ एंजाइटियाँ जीतने की। इसलिए आप चाहे ग्रंज लुक पहने, सेल्फीज खिंचाएं, या परंपराओं को चैलेंज करें, पर याद रखिए हर पीढ़ी ने इंसान पर इनडेलिबल प्रभाव ही छोड़ा है।